तो स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल केपीएम फैंटेसी एक्सपर्ट पर। और भाई आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कवर करने वाला हूँ जो वुमेन्स T20 कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जा रहे हैं उसका भाई जो आज के दिन का पहला मैच खेला जाएगा, जो कि खेला जाएगा इंडिया वुमेन्स वर्सेज पाकिस्तान वुमेन्स के बीच में। तो इन दोनों ही टीम्स की यहाँ पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिलने वाली है। तो एक एक प्लेयर के बारे में यहाँ पर आपको डीपली मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी प्लेयर आपके लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट देख लीजिएगा। अगर आप वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो इस मैच में बहुत ही बेहतरीन विनिंग आप यहां से करके जाने वाले हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बट आपको क्या करना है भाई, वीडियो को ध्यान से देख लेना क्योंकि यहां पर मैं आपको बता दूंगा अभी कि कौन सी प्लेयर आपके लिए किस पोजिशन पर कहां पर क्या इंपॉर्टेंट रहेगी और कौन सी प्लेयर को आपको कब लेना और कब नहीं लेना है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर ध्यान से आप वीडियो देखोगे ना तो फिर तो भाई आपको हराने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो चलिए भाई अब बात करते हैं अपन मैच के बारे में, लेकिन उससे पहले बता दूं भाई इस वीडियो के बाद जो भी अपडेट आएगी ना इस मैच की, जैसे कि भाई टॉस की अपडेट, प्लेइंग 11, मेरी फाइनल टीम, ये सारी चीज़ें आपको पता लगेंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम फैमिली से जुड़ना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम चैनल का, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर इसी वीडियो के फर्स्ट कॉमेंट में भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अब चलिए भाई बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स के बारे में। तो यहाँ पर दोनों टीम्स की अगर बात करें तो अपना अपना मैच हार कर आ रही है। यहाँ पर जो इंडिया वुमेन्स की बात करें तो भाई बहुत ही गंदे तरीके से हार के आई है। देखो यार क्या ही कर सकते हैं, बट मतलब बाहर के बहुत गंदे तरीके से आई है यार, 154 रन बनाए थे। और ऑस्ट्रेलिया टीम की भाई यहाँ पर इन्होंने 49 रन पर 5 विकेट कर दी थी, मतलब 50 रन से नीचे ही इनके 5 बैट्समैन आउट कर दिए थे। और उसके बाद भाई ये टारगेट चेज करवा गए, मतलब हद है भाई सच्ची में, मतलब यार इतना नहीं होना चाहिए ऐसा, तो बट क्या ही कर सकते हैं ना। यहाँ पर अगर बात करें इंडिया वुमेन्स की बैटिंग की तो आप यहाँ पर देख सकते हो ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत दी। शेफाली वर्मा भाई 33 बॉल पर 48 रन। भाई अगर बात करें समृति मंदाना की तो 17 बॉल पर 24 रन इन्होंने बनाए। यशिका भाटिया की बात करें तो आप देख सकते हो 8 रन इन्होंने बनाए। हरमनप्रीत कौर जो हमारी कैप्टन थी, इन्होंने भाई 52 रन बनाए। इसके अलावा जो जमाइका रोड्रिक्स है ये भाई नंबर 5 पर आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भाई नंबर 5 परारी इन्होंने 11 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने 1 रन बनाया। हरलीन देओल की बात करें तो भाई 7 रन बनाए। इसके अलावा राधा देओल की राधा यादव की बात करें तो 2 रन इन्होंने बनाए। इसके अलावा ज़्यादा बैटिंग किसी ने कुछ खास किया नहीं। गेंदबाजी की बात करें 4 विकेट निकाले थे भाई यहाँ पर रेणुका सिंह ने, और भाई इन्होंने ही मतलब इनके जैसे ही ओवर खत्म हुए ना उसके बाद तो भाई यहाँ पर मतलब विकेट तो गिरनी दूर की बात, फिर तो भाई यहाँ पर रन भी रोकने बहुत मुश्किल हो गए। राधा यादव ने यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा मतलब ये मान सकते हो कि निराश किया हमें, बहुत ही गंदी हार मिली यार। मतलब वैसे एज ए क्रिकेट फैन दुख हो रहा है, फैंटेसी एक्सपर्ट बाद में भाई पहले इंडिया की क्रिकेट के फ़ैन है, बट क्या ही कर सकते भाई, है ना। तो यहाँ पर भाई इन्होंने जो 4 ओवर में 42 रन दिए और विकेट लेस गए। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जो रेणुका सिंह है ये भाई आपके लिए अगेन एक शानदार प्लेयर रहेंगी, लेकिन अगेन भाई फर्स्ट इनिंग में जब ये खेले तो और भी मतलब इनको आप CVC ट्राई कर सकते हो, सेकंड इनिंग में आप इन्हें एज ए प्लेयर लेके जाना, ठीक है। मेघना सिंह की बात करें तो 4 ओवर में इन्होंने भी एक विकेट निकाला। दीप्ति शर्मा आपके लिए CVC के बेहतरीन दावेदार रहेंगे, बट पता है क्या है यहाँ पर इनकी बैटिंग काफ़ी नीचे आ रही है। नंबर 6 पर क्यों बैटिंग करवा रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यशिका भाटिया को इतने ऊपर क्यों भेज रही है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। यहाँ पर भाई नंबर 3 पर जो अगर चाइना टीम तो अरलिन देओल को ट्राई कर सकते हो क्योंकि अरलिन देओल नंबर 3 पर खेली हुई है। जमाइका रोड्रिक्स को नंबर 3 पर ट्राई किया जा सकता है, बट भाई क्या ही कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब बात करते हैं पाकिस्तान वुमेन्स की। तो पाकिस्तान वुमेन्स बारबाडोज वुमेन्स की यानी कि भाई वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स की टीम से हार के आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें इनकी बैटिंग की तो यहाँ पर आप देख सकते हो आई जावेद इनकी जल्दी आउट हो गई थी। मुनीबा अली विकेट कीपिंग सेक्शन से बेहतरीन प्लेयर ओपनिंग करेंगे, प्लस भाई यहाँ पर आपको शानदार विकेट कीपिंग भी करके दे सकते तो भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर होने वाले हैं, ठीक है, ट्राई कर सकते हो। बाकी यशिका भाटिया भी नंबर 3 पर ही आ रही, ज्यादा नीचे नहीं खेल रही, तो अगर आप उसे ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मुनीबा अली कंफर्म है कि ओपनिंग ही करेगी। यशिका भाटिया कभी भी नीचे भी भेजा जा सकता है, तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। इसके अलावा भाई नीता डार की बात करें तो इन्होंने यहां पर 50 लगाई। इसके अलावा भाई यहां पर अगर बात करें और किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिया। आलिया रियाज की बात करें तो 14 रन,
मैं सोहेल की बात करें तो 10 रन बनाए, मुनीबा अली ने भाई यहाँ पर 17 रन बनाए। इसके अलावा भाई आलिया रियाज की बात करें तो इन्होंने 14 रन और 7 रन बनाए भाई आयशा निशाम ने। इसके अलावा भाई किसी ने कुछ खास परफॉर्मेंस की नहीं। अब अगर बात करें भाई यहाँ पर इनकी गेंदबाजी की तो यहाँ पर गेंदबाजी भी ठीक ठाक ही रही, ज़्यादा कुछ अच्छी नहीं रही। फातिमा साना की बात करें तो 2 विकेट इन्होंने निकाले। नेडा दाद 4 ओवर में 25 रन विकेट लेस। तुबा हुसैन 3 ओवर में भाई इन्होंने 22 रन दिए। इसके अलावा ओमैमा सोहेल की बात करें तो नंबर 3 पर बैटिंग प्लस 3 ओवर गेंदबाजी बेहतरीन प्लेयर। डियाना बैग की बात करें तो 2 ओवर में 1 विकेट इन्होंने निकाला। इसके अलावा जो अनम आमीन है इन्होंने भाई यहाँ पर 4 ओवर डाले और विकेट लेस गई। अब यहाँ से आपके लिए मैं दोनों टीम की तरफ से इंपॉर्टेंट प्लेयर बता देता हूँ कि कौन सी रहेंगे। फिर भी देखिए यहाँ से भाई आई जावेद को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग में, लेकिन इनकी रिसेंट फॉर्म काफ़ी ख़राब चल रही है, पिछले काफ़ी टाइम से आउट ऑफ फॉर्म ये चल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। मुनीबा अली की बात करें बेहतरीन प्लेयर है, विकेट कीपिंग सेक्शन से एक इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, ट्राई कर सकते हो। ओमैमा सोहेल की बात करें तो भाई आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, इन्होंने यहाँ पर भाई जो 10 रन बनाए थे और 3 ओवर की गेंदबाजी भी की थी, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन पिक हो सकती है। अगर मान लो 1-2 विकेट ले गई और उसके बाद 20-30 रन बना दे तो भाई बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन पिक आपके लिए हो जाएगी। वही अगर बात करें बिस्मा मारूफ की तो जेल में निजेल में नीदाड और मस्ट पिक, इवन CVC की भी दावेदार रहेगी। आलिया रियाज को आप ट्राई कर सकते हो। वहीं अगर नीचे गेंदबाजी में बात करें फातिमा साना और अनम आमीन, ये 2 प्लेयर इंपॉर्टेंट रहेंगे। बाकी तुबा हुसैन डियाना बैग को आप जेल में निजेल में ट्राई कीजिएगा। अब चलिए भाई मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डेमो टीम बनाकर। यहाँ पर देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, दोनों ये टीम्स में अगर कंपैरिजन करोगे तो भाई इंडिया की टीम थोड़ी सी फेवरेट यहाँ पर अगेन लगेगी, लेकिन भाई वही बात है, इंडिया अगर अच्छा खेलेगी तभी विन कर पाएगी। जो लास्ट मैच में इन्होंने किया वो तो भाई मतलब काफी खराब था। अब यहाँ पर चलिए भाई बात कर रहे थे विकेट कीपिंग सेक्शन में, तो यहाँ पर भाई मुनीबा अली को मैंने अपनी टीम में रखा। बाकी अगर आप चाहो तो मैं आपको अगेन बता रहा हूँ, याचिका भाटिया ज्यादा नीचे नहीं खेल रहे, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर अगर बात करें स्मृति मंदाना मस्ट पिक रहेगी, आलिया रियाज को आप ट्राई कर सकते हो, शेफाली वर्मा को मैं अभी के लिए ट्राई कर रहा हूँ। नीचे अगर बात करें तो बिस्मा मारूफ को आप अपनी टीम में रख सकते हो। वहीं अगर बात करें तो भाई आई जावेद को आप जीएल मिनी जीएल में ट्राई कीजिएगा, ओपनिंग कर रहे हैं, सिर्फ 4% सिलेक्शन है भाई। अगर आकर 40-50 रन भी बना देती है तो आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक हो जाएगी। और फिर मान लो कि बाद में आप जीएल में आपको मतलब ऐसे प्लेयर एक बार परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर आपको मतलब पीछे करना सामने वाले ओपोनेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 4% सेलेक्शन है। तो आप मान सकते हो कि जितने भी मेम्बर वहाँ पर ज्वाइन करेंगे उसमें भाई सिर्फ 4% इन्हें लेके आएंगे, तो भाई आप सोच सकते हो कितनी खतरनाक आपकी टीम यहाँ से बनने वाली है, ठीक है। तो यहाँ से अरविंद देओल को तो भाई ये तो काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग कर रहे हैं, इससे अच्छा तो भाई आप अगर थोड़ा सा रिस्क लेना चाहो जमाइका रोड्रिक्स के ऊपर लेना। अरविंद देओल तो भाई काफ़ी ज़्यादा नीचे खेल रही है। अब अगर ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर भाई हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, नीदा डार तीनों मस्ट पिक रहेंगे इस मैच में। भाई देखते हैं यहाँ पर पूजा वस्त्रकर है, ये भाई फिट होती है नहीं होती है, लास्ट मैच में कोविड था इसकी वजह से भाई नहीं खेली थी। इसके अलावा यहाँ पर हो सकता है इस मैच में आपको खेलते दिखे। वहीं अगर बात करें यहाँ से भाई बॉलिंग सेक्शन में तो रेणुका सिंह को आप अपनी टीम में रख सकते हो। अब देखिए लास्ट मैच में इनका सिलेक्शन सिर्फ 28% था और फिर भी भाई हमने टीम में लिया और एक तरफा विनिंग करवाई आपकी। आज भी भाई आपकी अच्छी विनिंग हो सकती है, अगर आप सेफ जाना चाहो तो आप ट्राई कर सकते हो। बाकी भाई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि मस्ट पिक प्लेयर है या कुछ हो रहा है, क्योंकि लास्ट मैच में विकेट लेके इसीलिए थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी के लिए लग रही है। यहां से अगर बात करें तो डियाना बैग को आप ट्राई कर सकते हो अगर करना चाहो तो। इसके अलावा भाई यहां पर या फिर भाई आप कर सकते हो अनम आमीन को ट्राई, और यहां से अगर बात करें तो आप आर गायकवाड को ले सकते हो जो मेरे हिसाब से आपके लिए ज्यादा अच्छी रहेगी। इसके अलावा आर गायकवाड की जगह पर भाई यहां पर कापिया भाई मेघना सिंह, यहाँ से मेघना सिंह को भी आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो, ठीक है। या फिर सिमरन दिल बहादुर ये खेलती है तो भाई फर्स्ट इनिंग में ये भी आपके लिए बहुत ही शानदार प्लेयर रहेगी, ठीक है। अब चलिए भाई CVC की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक चीज़ बता दूं, देखिए आज है ना हमारे यहाँ पर तीज है और तीज भाई यहाँ पर मतलब मनाई जाती है, तो इसीलिए थोड़ा सा शायद आज मैं और मैचेस ना कवर कर पाऊँ, यहाँ पर मैं एक ही मैच कवर करूँ। हरमनप्रीत कौर को मैं कैप्टनसी दे रहा हूँ। लास्ट मैच में इन्होंने एक ही ओवर डाला, लेकिन इस मैच में अच्छे खासे ओवर डालती है आपको नज़र आ सकती है। और भाई बैटिंग तो इनकी आएगी आएगी, नंबर 3-4 पर बैटिंग करने आ रही है और भाई लगातार अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है। पिछले काफ़ी टाइम से जो फॉर्म है वो काफ़ी खतरनाक चल रही है, आप देख सकते हो लास्ट मैच में भाई आप सेंचुरी
सेंचुरी लगाते गई और अच्छी खासी मतलब स्ट्राइक रेट से लगा कर गई है। यहाँ पर अगर बात करें वीसी की, तो वीसी के आपके पास दो ऑप्शन है, निराधार थोड़ी सी सेफ ऑप्शन लग रही है। रीज़न क्या है, क्योंकि मतलब नंबर 4-5 पर बैटिंग कर रही है, और अगर बात करें यहाँ पर दीप्ति शर्मा की तो नीचे काफ़ी ज़्यादा नीचे बैटिंग कर रही है। और वहीं अगर बात करें तो भाई पाकिस्तान की बैटिंग इंडिया की बैटिंग से थोड़ी सी वीक है, तो भाई यहाँ पर निराधार के बैटिंग आने के चांसेस ज़्यादा, दीप्ति शर्मा के कम है। और बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग भाई दीप्ति शर्मा थोड़ी ज़्यादा विकेट टेकिंग लगती है निराधार के कंपेरिजन में, तो उस कंडीशन भाई आप दीप्ति शर्मा को वीसी रख सकते हो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, अगर आप चाहो तो आप अपने हिसाब से सी वीसी को रोटेट भी कर सकते हो। अभी के लिए जो मेरी टीम है वो आपके सामने है, हो सकता है फाइनल टीम में कुछ चेंजमेंट मैं आपको करता नजर आ जाऊं। अब उसकी अपडेट मिलेगी भाई आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए भाई जय हिंद वंदे मातरम। लेकिन टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी मेरी फाइनल टीम होगी वो आपको वहीं पर मिलने वाली है।